करते हैं। नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, मैं हूं डीडी चरण और आप देख रहे हैं अनु बिग बी यूट्यूब चैनल का साक्षात्कार कार्यक्रम। साथियों, इसी कड़ी में आज हमारे बीच देश के विख्यात उद्योगपति युवा आइकन शंकर जी कुलरिया आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा, शंकर जी कुलरिया एक कोई नाम के मोहताज नहीं है। आपका जो कार्य है वो पूरा का पूरा सेवा भाव का जो कार्य है वो आप पूरे देश में आज हर कहीं देखने को मिलता है। तो साथियों, मिलते हैं आज हम शंकर जी कुलरिया से, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार शंकर जी, आपका स्वागत है। आज आप हमारे अनु बिग बी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे मुखातिब हो रहे हैं और आपके विचारों को आज हम इन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो आपका स्वागत है। धन्यवाद डीडी भाई साहब, आपका और आपके अनु बिग बी चैनल का बहुत बहुत आभार। आपने भी मुझे मौका दिया आज इस चैनल के रूबरू होने का, और मुझे पता चला काफ़ी यूट्यूब चैनल के थ्रू और काफ़ी चैनलों के थ्रू कि आप एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बहुत अच्छा अभियान चालू रखा है, जिसके अंदर मुझे भी आज बोलने का मौका दिया, जिसके लिए आपका और आपके टीम का बहुत बहुत आभार। खुले साहब, आज बातें करेंगे हम सारी आपकी एक कामयाबी की जो कहानी है वो आप ही की जुबानी आज हम श्रोताओं तक, हमारे दर्शकों तक साझा करेंगे। क्या है आपकी कामयाबी का राज, कैसे आपने इसमें दुनिया में अपनी जो है नाम की दाग जमाई है, दुनिया में आपने अपना बिजनेस का जो जाल फैलाया, आपका नेटवर्क फैलाया है, एक छोटे से गांव से, एक छोटे से रेगिस्तान के छोटे से टुकड़े से आप निकल कर एक देशों में विदेशों में आप अपने नाम की कमाया है, तो सारी कहानी आज हम, सारे विचार जो हैं आपकी बातें सारी की सारी दर्शकों तक साझा करेंगे। तो मैं बातों का सिलसिला शुरू करता हूँ कुलरिया साहब, आपके बचपन का मैं लिए चल रहा हूँ आपको, अपने बचपन की ओर। बचपन आपका कैसा बीता था, किस तरह का माहौल था उस वक्त, किस तरह की एजुकेशन थी? ऐसा है भाई साहब कि हम पहले तो भारत की बात करते हैं कि भारत की धरती के ऊपर जो बच्चा जन्म लेता है उसके लिए वो सौभाग्य होता है वो भारत में जन्म लेता है, लेकिन भारत के अंदर भी हमारा एक छोटा सी राजस्थान में एक कस्बा है जो बीकानेर जिले के अंदर नौका तहसील में एक सीलवा मूलवास गांव, जो छोटा सा गांव है जिसके अंदर मेरी जीवनी के बारे में यदि मैं सोचूं तो वैसा शायद जिंदगी किसी को मिला ही नहीं आज तक, जो जिंदगी और जो जीने का जो तरीका जो जज्बा हमको मिला है शायद किसी भाई को ऐसा मिला होगा, क्योंकि वो गोल्डन पीरियड आज भी हमें याद है, जिस पीरियड का आप भी साक्षात हमारे साथ बैठे हो आपको भी पता है, क्योंकि कुछ साल हम आपके साथ भी बिताए थे, लेकिन वैसी जिंदगी आज हम चाहें तो भी नहीं मिल पाए, क्योंकि उस जमाने में हम छोटी सी उम्र में हमारे गांव में एक छोटी सी स्कूल होती थी जो प्राइमरी स्कूल, पांचवीं तक हम पढ़ते थे, पांचवीं के बाद में हमने कोशिश की भी, पांचवीं उम्र हमारे गांव में जाने 7 साल या 8 साल उम्र में पांचवीं तक हमने पास कर दी थी, तो पांचवीं के बाद जब 7 साल की उम्र थी तो हमने सोचा यहाँ से करीब हमारे सेकेंडरी स्कूल बंदरा करके जो गांव थे, बंदरा स्कूल है जो सेकेंडरी स्कूल थी, वहां पे जाने के लिए हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है, बच्चे कैसे जाएंगे, लेकिन आप जैसे भाई थे, दूसरे हमारे दोस्त थे, मिलके हम 7 किलोमीटर ऐसे तय किए, 7 साल की उम्र से लेके और 5 साल हम बंदरा पढ़े थे जो 6th से लेके 10th तक का हमारी जिंदगी, हमको पता ही नहीं चला वो 5 साल कैसे हमारे बीते, कैसा बचपन था, और हमारा रूटीन इतना साफ सुथरा था कि उस टाइम न तो कोई मोबाइल फोन होता था न कोई घरों में फोन होते थे, तो उस वक्त कोई थी नहीं, मार्ग भी नहीं थे, कुछ नहीं भाई साहब डूंगर जी, कुछ नहीं था उसके अंदर, और उस जमाने की यदि लाइफ को जीना चाहे ना आज, तो मैं चाहता हूँ उससे अच्छा कोई गोल्डन पीरियड नहीं आ सकता है। सुबह मॉर्निंग में यहाँ से 7 किलोमीटर जाना बोले सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता था हमको। यूं कहे तो शंकर जी के उस वक्त सुविधाओं नाम की कोई चीज नहीं थी, सारी दुविधाएं थी, लेकिन वहाँ का जो जीवन था और आज का सुविधा युक्त जीवन है इसमें बहुत सारा जो अंतर है, वो सुकून जो था वो आज नहीं है। लेकिन मैं वैसा बताता हूँ, जो सुकून और जो सुविधा उस जमाने में थी वो आज भी नहीं है, आज सब कुछ होने के बावजूद भी उन चीजों का अभाव आज भी एहसास हो रहा है। सुबह 4 बजे उठते थे तो हमको ऐसा लग रहा, आज तो 4 बजे उठते हैं इतनी तकलीफ होती है कि हम 4 बजे क्यों उठे, लेकिन उस जमाने में 4 बजे उठ के और माँ के हाथ का नए खाना खा के हम निकलते थे, तो आप जैसे दोस्त हमारे साथ हो जाते थे, 7 किलोमीटर हम करीब 1.25 घंटे में पार करते थे, और जब स्कूल में जाते थे हमारे टीचर्स हमको बोलते थे इतने छोटे छोटे, क्योंकि हम 4 थे, एक आप थे, एक मैं था और 2 हमारे दोस्त और थे, जो एक आपके भाई हैं एक मेरे भाई थे, तो हम जाके स्कूल में खड़े होते थे, हमारे टीचर बोलते थे क्या आज आपकी मम्मी ने आपको दूध पिला के भेजा, कैसे भेजा है, इतने हम छोटे थे, तो क्लास में सबसे छोटे बच्चे हम 4 जन होते थे, और शायद जब एग्जाम आता था तो हम शायद चारों पूरी स्कूल में से हम ही टॉपर आते थे 4 बच्चे, तो ये हमारी जीवनी थी। और ये करते करते भाई साहब हम 10th पास निकल के 10th से हम लोग, पिताजी ने बोला कि अभी थोड़ा बड़े हो गए हो या यहाँ पे हमारी सुविधा नहीं थी पढ़ने की। अध्यापकों का कैसा क्या बर्ताव था आपके जमाने में? अध्यापक का तो भाई साहब ऐसा बर्ताव था कि वो ऐसा अध्यापक जैसे होते ही नहीं थे, वैसे लग रहे थे कि हमारे पेरेंट्स से हमारा ध्यान रख रहे थे। उस जमाने में जो अध्यापक होते थे ना और आज के अध्यापक में काफी अंतर है, क्योंकि वहां पे पहले अटैचमेंट होता था दिलों का,
और सुबह आते थे बाई नेम हर बच्चे को जानते थे और हर बाई नेम बच्चों को पूछते थे आज क्या हालत है। स्कूल जाना हमारे बेसिकली एक खुशी का माहौल होता था। आज बच्चों के ऊपर थोड़ा पढ़ाई का ऐसा बच्चों को लग रहा है लोड है या ब्रेन थोड़ा सी लोडिंग चल, लेकिन उस जमाने के अंदर बच्चों के ऊपर पढ़ाई करना एक लोड नहीं था। बच्चों को खुशी होती थी कि हमको स्कूल जाना है और वापस आके स्कूल से 4 बजे भाई साहब ये रूटीन था, स्कूल जाते थे 12 बजे वापस आते थे, 12 बजे वापस आके 1 बजे हमारे गाँव में छोटी सी दुकान और चक्की बना रखी थी जिसके अंदर मैं और बड़े भाई साहब और धर्म तीनों का एक ड्यूटी होती थी कि एक दिन वो एक दिन मैं एक दिन ऐसे। तो 12 साल की उम्र में मैं यहाँ से चक्की करीब 4 साल चला के फिर मैं बॉम्बे की तरफ रूट किया था। पिताजी ने बोला कि उस जमाने में लोग बाहर कम जाते। कब लगा था कि मेरे को यहाँ से, क्योंकि आप बचपन से क्रिएटिव थे। वो थोड़ा सी बड़े आदमी नहीं करते, वो आप जज्बा मैंने खुद ने निजी तौर पर देखा है कि वो बात में क्रिएटिव था, आपका दिमाग बहुत ज्यादा क्रियाशील था। तो आपको कब लगा कि मेरे को यहाँ से बड़े चलाना? नहीं, उसके 2 कारण भी था भाई साहब कि दिमाग जरूर क्रिएटिव था क्योंकि माता पिता का हमेशा बोलते थे कि हमारे बच्चे समझदार, हालांकि हम नॉर्मल बच्चे जैसे थे लेकिन हमारे माता पिता हमको इतना एनकरेज करते थे हमारे बच्चे बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, बहुत समझदार वैसे करते, लेकिन हम सोचते हम होशियार नहीं है फिर भी, लेकिन वो एक हमारे माता पिता में एक कला थी कि हमको एनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे। करते कर फिर जैसे 12th के बाद में यहाँ पे नजदीक कोई स्कूल नहीं थी जहाँ पे 12th करे या 11th करे, तो अब पिताजी ने बोला कि एक बार बॉम्बे जाओ, बॉम्बे का माहौल देख के आओ और माहौल कैसा लगा है। तो यहाँ पे गांव में उठे थे, मेहनत कर रखी थी, छोटी चक्की चलाते थे, स्कूल चलाते और इस दुकान चलाते थे, तो मेहनत तो कर रखी थी। और जैसे बॉम्बे गए और बॉम्बे में लगा कि वहाँ पे तो हमारी बुद्धि के लिए लोग ही नहीं थे, हमको चाहते हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भाई साहब वहाँ पे जैसे ही बॉम्बे में घुसे और लोगों को लगा कि हमारे से कम बुद्धि के लोग हैं फिर भी अच्छा धंधा कर रहे थे, क्यों नहीं हम कर सकते हैं, तो वहाँ से हमारा धंधा चालू हुआ। बहुत अच्छी सोच जो है जी। तो हमने ये सोचा कि गांव में इतनी मेहनत नहीं करते थे फिर भी हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे तो मेहनत करके बहुत कुछ कर सकते हैं। और टचवुड माता पिता का आशीर्वाद था। और हमेशा आगे बढ़ने के लिए भाई साहब 4 पहिए होते हैं, एक आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपको कैसे शिक्षा देते हैं, दूसरा आपका परिवार कैसा है, तीसरा आपके दोस्त कैसे हैं, चौथा आपकी डिसिप्लिन और आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हो। यदि ये 4 पहिए आपके प्रॉपर है ना तो आप भाई साहब आपको दौड़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो माता पिता आप मेरे पिताजी से हमेशा मिलते हो, माता जी से मिलते हो, दोस्त आपके जैसे बेटे थे साथ में, तो कभी भी गलती से कोई रास्ता छूट भी गया था आप हमेशा हाथ पकड़ के ऊपर ट्रैक पे लेके आ गए। तो 13 साल 14 साल पहले, आज तो चलो 20 साल बचे तक इम्यूनिटी होती है, लेकिन पहले हमारे जी माने, मैं आपकी बात थोड़ी सी बीच में काटूंगा कि आज जो एक लड़का होता है वो 20 साल की उम्र में या कुछ 10th स्टैंडर्ड के बाद में वो नशे की ओर बढ़ जाता है, कुछ बहुत सारी जो गलतियां हैं क्रूरतें हैं वो हावी हो जाती है, लेकिन आप में उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्या कारण? उसका कारण भाई साहब वही है वापस कि आपके परिवार किस लेवल में बिलोंग करता है, परिवार का रहन सहन कैसा है, आप किन के साथ दिन भर रहते हो। आज मेरे जीवन 13 साल की उम्र तक तो मैंने सिवाय बीकानेर नौखा मेरा घर मेरे स्कूल के अलावा कुछ देखा ही नहीं। और पिताजी हमेशा भगवान की गायों की ये कथा हमेशा सुना था, जब घर पे बैठते थे पिताजी अनपढ़ थे ज्यादा पढ़ते नहीं थे, हमको बोलते थे यस भगवान की बुकें पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो या गीता के बारे में लिखो या गीता के बारे में श्लोक पढ़ो। तो मेरे को हनुमान चालीसा मेरे को 8 साल की उम्र में सिखा दिया था पिताजी ने। क्या बात है, बहुत तो एग्जैक्टली आज मेरे बच्चे आप देखा शनिवार सुनकर पाठ कर रहे हैं, तो 1.5-2 घंटे बच्चे बिना पढ़े बिना लिखे बिना कुछ किए कंटिन्यू कीर्तन करते हैं। ये हमारे घर का बेसिकली संस्कार हमारे पिताजी हमारे वैसे हमारे दादाजी थे बहुत ही स्पिरिचुअली बहुत ही ये आध्यात्मिक बहुत ज्यादा गहराई में गए हुए थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार आपको मिलते जा रहे हैं। तो ये हमारी क्या बोल सकते हो पीछे ये दादा से पिताजी को मिले पिताजी से हम जो परिवार तीनों भाइयों को मिल रही है ये हमारी पीढ़ी दर। आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा था बॉम्बे में अपना ये बहुत बड़ी है अपनी जो कंपनी खड़ी करी की है आपने देश भर के उद्योगपतियों में आप शुमार है ये कैसे आपको? नहीं वैसे भाई साहब मैं देखूं मैं कोई देश के दुख में सुमार नहीं हूं लेकिन आपका बड़ापन है आप लोग में हम भाइयों को बड़ा मानते हो, लेकिन जब हम वहां पे जाके देखते हैं वो एक माया नगरी है। माया नगरी के अंदर आदमी का डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का बिजनेस करना चाहते हो सकता है उसमें हमारे गुरु जी की हमारे पूर्वजों की हमारे पिताजी माताजी का आशीर्वाद की वजह से हमको जो ट्रैक सिलेक्ट हुआ वो सही सिलेक्ट हो गया है और उस ट्रैक के ऊपर जितनी मेहनत करो उतनी उन्नति मिलती है। और हमारा आज संपर्क भगवान की कृपा से देश के आज बड़े बड़े उद्योगपति सेलिब्रिटीज है उनके साथ में हम रहते हैं उनके साथ में हमारा संपर्क है। तो
ट्रैक भी अच्छी हुई और लोग भी अच्छे मिले, लोग अच्छे मिल रहे हैं, ट्रैक अच्छी पकड़नी, ये पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। मेहनत करने अलग चीज है, बहुत अच्छी है। तो मेहनत पूर्वजों का आशीर्वाद अच्छा था, मेहनत हमने करी तो ट्रैक अच्छी मिल गई, अच्छी ट्रैक के ऊपर आज तक थोड़ा आगे बढ़े जाए। आपका बिजनेस इतना बड़ा है, देशों में विदेशों में आपकी जो कंपनी काम कर रही है, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतनी बड़ी लेबर आपकी काम कर रही है, उसके बावजूद भी आप सेवा भाव के काम जो है बराबर पैरेलल करते जा रहे हो, तो कहीं आपको ऐसा लग नहीं रहा कि आपका काम डिस्टर्ब नहीं होता? सेवा एक सेवा भाव का काम अलग है जी, और अपनी कंपनी का काम जो प्रोजेक्ट आप चल रहे हैं जी वो अलग है, इसको पैरेलल बराबर चलते कैसे मैनेज नहीं भाई साहब? इसमें क्या होता है, बचपन से जैसे मैं आपको बताया कि बॉम्बे के हमने बिजनेस चालू किया, तो आप बिजनेस चालू करते हो ना तो आपको कुछ आपके वर्टिकल कुछ प्रिंसिपल सेट करने होते हैं, और प्रिंसिपल के अंदर मैं बताऊं बिजनेस दो तरीके से हो जाता है। एक बिजनेस होता है केवल पैसों के लिए किया जाता है, एक बिजनेस होता है जो सेवा भाव से बिजनेस हुआ। पैसा तो एक अपना उद्देश्य होता ही है, लेकिन साथ साथ में एक सेवा भाव का उद्देश्य लेकर चलना चाहिए। हमारे परिवार में पिताजी हमेशा पहले बोलते थे जब हम बिजनेस पे गए, आप एक रुपया ले, एक रुपया दान करो, भगवान आपको दो रुपए देंगे। वो एक फॉर्मूला था हमारे पास में, और वो फॉर्मूला हम बोलते थे, पिता जैसे बोलते ही हैं, लेकिन वो फॉर्मूला हमने पिछले 15 साल या 18 साल हो गए हम अपना लिया। अपना है, हमको ऐसा लगा हम सेवा भाव के साथ में, हमको ये लगा पिताजी ने बोला 2 रुपए लगाओ तो 4 मिलता है, 4 लगाओ तो 8 मिलता है, वो हमने फॉर्मूला अपनाया और उस फॉर्मूले से भगवान हमको देते जा रहे हैं और उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। हम करोड़ों की तादाद में आप रुपए जो है वो दान में देते हैं जी सर, लक्ष्मी का जो अखूट भंडार आपके पास है, तो कभी आपको लगता नहीं है कि नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ आप भाव पैदा नहीं होते मन में? नहीं भाई साहब, मेरे को हमारे दिमाग में फॉर्मूला सेट हो गया है कि पैसा मेरे पास 100 रुपया है तो मेरे को 100 कहीं लगाना था कि 200 मेरे जेब में आएगा, वो मेरा एक मैंने बिजनेस टाइप में सोच लिया कि धर्म करना ही है और धर्म करते ही पैसा डबल आ रहा है, पैसा डबल आ जाएगा, बस ये चीज हमने सोच रखी है। जगह आपने गौशालाओं में लगभग प्रत्येक गौशालाओं में आपका जो है हिस्सा राशि पहुंचती है, जहाँ पे आप जानते ही नहीं है वहाँ आपकी जो हिस्सा राशि पहुंच जाती है? नहीं नहीं भाई साहब, उसमें हम पैसा कभी इसलिए नहीं देते हैं कि मैं कोई जाने, हम इसलिए देते ही नहीं कभी, हम इसलिए देते हैं किसी की जरूरतमंद को जरूरत पूरी हो, चाहे वो गौशाला की हो, चाहे वो बाल शिक्षा की हो। हमने शिक्षा के लिए आपने क्या बालिका शिक्षा के लिए आज से करीब 12 से 13 साल पहले पिताजी ने बोला कि बाकी सब स्कूलें बहुत खुल रही है लेकिन कम से कम हमारे नजदीक एरिया में कोई भी एक लड़कियों की स्कूल नहीं है, तो पिताजी ने ये मुहिम चालू करी और ये 13 साल से पिताजी एक स्कूल गोद ले रखी है जिसमें के अंदर 110 या 112 बच्चियां पढ़ रही है, जिसके अंदर पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग है और पिताजी हमें हमेशा बोलते रहते हैं कि बाकी स्कूल हम करेक्ट नहीं लेकिन बालिका स्कूल के अंदर कुछ करना चाहिए, तो यहाँ से हर साल कम से कम 8th की स्कूल है तो 8वीं पास करके 100-125 बच्चियां निकल रही है, जो पिताजी को बेसिकली उसमें बहुत सुकून मिलता है। और पिताजी का एम भी यही है, बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चियों को आगे बढ़ाओ, गायों की रक्षा करो, गायों का ध्यान दो, गायों का संरक्षण करो, ताकि बच्चे गायें और पेड़ ये तीन ऐसी जो मूल आधार है अपनी जिंदगी के। जब गायें हैं, आपको मैं लास्ट टाइम एग्जाम्पल भी दिया था कि गायों में और दूसरे जानवर जो दूध देते हैं उसमें क्या फर्क है जिसके गायों को इतना महत्व देते हैं। लोग साइंटिफिक सोचते नहीं है लेकिन लोग सोचते हैं कि ये इसको आध्यात्मिक जोड़ दिया गायों को, लेकिन पिताजी ने आध्यात्मिक के साथ साथ में थोड़ा साइंटिफिक रीजन से जोड़ा, ये है उसका साइंटिफिक। ये है पंजाब में राजेंद्र जी जो गहलोत साहब थे, उन्होंने पंजाब में करीब 200 करोड़ रुपया खर्चा किया एक टेस्ट करने के लिए, करीब 20 साल उनका टेस्ट चला, 3 बच्चों को पकड़ा, जो एक मंद बुद्धि नॉर्मल बुद्धि और एक टैलेंटेड बच्चा, जो ज्यादा टैलेंटेड था उसको बच्चे को बेसिकली उन्होंने ये ऊंटनी का दूध, भैंस का दूध और गाय का दूध तीनों का टेस्ट किया कि लोग रियल में बोलते हैं क्या गाय आध्यात्मिक है या साइंटिफिक ही बेटर है। जो मंद बुद्धि का बच्चा था उनको गाय का दूध चालू किया, जो मिडिल क्लास का बच्चा था उसको भैंस का दूध चालू किया, और जो एकदम टैलेंटेड था उसको ऊंटनी का दूध चालू किया। ये 20 साल के बच्चों के बाद बच्चों का जब IQ टेस्ट किया, जो मंद बुद्धि था वो कई गुना आगे चला गया, बहुत टॉप हो गया, और जो मिडिल क्लास था वही एजेटिस भैंस का दूध एजेटिस रहा, और जो ऊंटनी वाला जो टॉपर था वो वापस लोअर क्लास में लग गया। इसका मतलब यह है कि गाय के दूध के अंदर कई गुण हैं, कई गुण छुपे हैं, तो इसके लिए पिताजी बोल रहे हैं जब गाय का दूध हर बच्चा पिएगा तो इस देश का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा, उनको IQ लेवल बढ़ेगा, और जब बच्चों का आने वाला भविष्य का यदि IQ लेवल बेस्ट होगा तो भारत का भविष्य भी बेस्ट हो सकता है। उस उद्देश्य से पिताजी गायों की सेवा भी करते हैं, और पिछले कई सालों से पिताजी ये हरा राजस्थान करके एक मुहिम चला रखी है जो पूरा राजस्थान के अंदर पर्यावरण जन चेतन चलाई, जिसके अंदर 81,000 पेड़ पौधे लगाए। वो पिताजी को प्रेरणा मिली ऋषिकेश, हमने कथा करी, पिछले 5 साल से कथा चल रही है, 5 साल से जो कथा चल रही है उस कथा में हमारे वहाँ पे मुनि जी महाराज करके उन्होंने बोला संजी आप गायों की सेवा करते हो, बालिकाओं की सेवा करते हो, कॉलेज स्कूल जो भी है वो करते हो, आप पेड़ों पे ध्यान दो जरा। तो 3 साल पहले पिताजी उन्होंने बोला पिताजी को क्या करना चाहिए, बोला जितनी उम्र है उतने 1,000 पेड़ लगने चाहिए। तो पिताजी की उम्र थी 80 साल की उम्र, और 80 साल पेड़ का उन्होंने
इरादा बना लिया कि हमको 80,000 पेड़ लगाने हैं, तो पूरे राजस्थान में एक पर्यावरण जन चेतना की एक योजना पूरी मुहिम चलाई जिसके अंदर 80,000 पेड़ लगे। हर संभाग में हर लोगों के साथ में हर प्रशासनिक उसमें साथ में थे और 80,000 पेड़ लगा के हमारे घर में उनको समापन किया। और हर साल फिर हमने मुहिम बनाई, जैसे एक साल पूरा होता है 1,000 पेड़ लगाने का, वो मुहिम पिछले 3 साल से हमारी चल रही पिताजी की। बालिकाओं के भी कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारे परिवार की तरफ से एक हॉस्पिटल की भी प्लानिंग कर रहे हैं, परिवार हमारे कोशिश करके हॉस्पिटल बनाए। हमने एक पानी गांव के लिए पानी की टंकी की प्लानिंग कर रखी भी, कम से कम हमारे माताजी की उम्र के लोग अभी भी कंधे के ऊपर घड़ा लेके जाते हैं। आज हमको देखते हैं तो हम बोल रहे हैं कि पूरी भारत के अंदर हम इतना सहयोग करने की कोशिश करेंगे, हमारा गांव अभी भी पीछे है, तो हमने सोचा कम से कम 1-2 लाख लीटर की टंकी बना के हमारे घर का एक नल चालू करके हर घर में पानी देवे, वही हमने मुहिम चला रखी है। और बालिका शिक्षा के लिए आपके फ्यूचर प्लान क्या? बालिका शिक्षा के लिए जितने भी हमारे राजस्थान है, हमारे संभाग के अंदर जितने भी स्कूल हैं, हमने सबको ओपनली बोल रखा है जो सहयोग होता है प्लीज़ आप आइए हमारे से सहयोग लीजिए, चाहे बुक का हो, चाहे उनका स्कॉलरशिप का हो, या कोई गरीब परिवार नहीं कर सकता उसके लिए साधन की संभव हो, तो हम हर एंगल में उनको सपोर्ट देने के लिए हर स्कूल को एनकरेज करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कोई यदि कोई स्कूल जैसे हमारे संभाग में स्कूल नहीं थे, हमने स्कूल बना के दिए, उसको हमने गोद ले रखा है। बंदरे के एरिए में हम कोशिश करें कि वहाँ पर भी हमारे कोई स्कूल बन जाए, जो हर एरिए के अंदर बच्चे स्कूल जाए और बच्चे स्कूल पढ़े। शंकर जी, हमारे जो सभी दर्शक आपको अभी देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं जी, तो एक युवा आइकन होने के नाते एक युवा जो युवक होता है जी, उसको किस तरह अपना समय मैनेज करना चाहिए, कुछ टिप्स आप साझा करेंगे? पहली बात तो मैं हर युवा से, पूरे भारत के हमारे युवा भाइयों से कहना चाहूंगा, कभी भी ये मत सोचिए कि वो इतने बड़े हैं और मैं इतना छोटा हूँ, मैं कब पहुँचूंगा, ये कभी भी दिमाग में धारणा नहीं रखनी है। हमको ये सोचनी है कि जो आदमी आज भारत का जो टॉपर है या जो लीडर जो बना है या जो लीड करता है आज इंडिया को, वो एक छोटे परिवार से बिलोंग करता है। तो हर भाई को कभी नर्वस होना ही नहीं चाहिए कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। केवल उसके लिए दो चीज़ चाहिए, थोड़ा सी आदमी को अपनी संस्कृति को संभाल कर रखना है और हार्ड वर्किंग करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बात संस्कृति की है, अभी आपने शब्द बोला है संस्कृति क्या होनी चाहिए। शंकर जी, मैंने आपको देखा कदम पैलेस में, आपके सारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अकेले विदेश जाते हैं, विदेश आते हैं, जब जाए फ्लाइट से उड़ जाते हैं, आ जाते हैं जी। और आपकी 3-4 पीढ़ी एक साथ अभी इसमें पदम पैलेस में रह रही है, 3 पीढ़ी रह रही है। मैंने अभी देखा था सारे बच्चे जो है, और छोटी बहुएं हैं, बच्चे सारे वो भगवान का पाठ कर रहे हैं, उस धुने के चारों ओर बैठे हैं और भक्ति में वातावरण है, तो बच्चों पे विदेशी संस्कृति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? नहीं, उसमें भी हम बच्चों को ऑलमोस्ट, अभी हमारे घर के सब बच्चे पूरे संसार ऑलमोस्ट घूम लिया, कोई छोटा बड़ा हिस्सा बाकी रहा जहाँ पे हम अनकम्फर्टेबल फील कर वहाँ पे नहीं गए, अदरवाइज पूरे संसार हम घूम चुके हैं। बच्चों को जब घूमने के बाद वापस हम आके पूछते हैं कि आपको वहाँ का यहाँ का कल्चर क्या लगा, तो बच्चे इतने समझदार भी है और आजकल सोशल मीडिया की वजह से बच्चों को पता भी चल रहा है, वो एनालाइज कर लेते हैं कि US में कल्चर क्या है, इंडिया का कल्चर क्या है और कौन सा रॉयल कल्चर है। तो आज हमारे बच्चे बोल रहे हैं जो हमारे घर का जो कल्चर है वो दुनिया का ऐसा कोई कल्चर नहीं है जिसके साथ कंपेयर ही करें। आपका बच्चा फुटबॉलर भी है, जी हाँ, जी हाँ, तो उसको विदेशी संस्कृति का वो प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? वही बच्चे इतने एनालाइज करते हैं घर पे आकर, उनको फील होता है कि जो हमारे घर का कल्चर है, जो हमारे भारत का कल्चर है, स्पेशली राजस्थान का जो कल्चर है, उस कल्चर जो रॉयल कल्चर का कोई कंपेरिजन नहीं है। तो कंपेरिजन करने बच्चे जब यहाँ पे इतने अच्छे कल्चर में रहते हैं तो वहाँ का कल्चर उनको अडेप्ट होना ही नहीं देता और पॉसिबिलिटी नहीं है वो अडेप्ट करे। शंकर जी, आज की जो आज आपकी है, इस पोजीशन पर कोई आम आदमी जब आता है तो वो अपने माँ बाप को भूल जाता है, वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, और आपके आज भी वो सेवा भाव है, तो क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है? मैं मेरे युवा भाइयों को सबको कहना चाहूंगा कि जो आज आपने एक अच्छा पॉइंट दिया, जो मैं मैसेज मेरे युवा भाई को देना चाहूंगा, यदि आप बिजनेसमैन हो या आप प्रॉपर आपकी लाइफ को लॉजिकली सोचते हो, तो मैं ये सोच बताऊंगा कि जब बच्चा जवान होता है तब उसको माता पिता उसके आशीर्वाद देते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा और ये करेगा, मैं हेल्प करेंगे। जब जवान हो जाता है, बच्चा खुद कमान लग जाता है, सब कुछ, तब बच्चों को ये सोचना है कि मेरे पिताजी की उम्र आज 82 ईयर्स है। जब 82 की ईयर के उम्र के ऊपर आदमी कभी ये न तो हमको कोई सेल्फ है उनसे कोई मतलब है, और न कभी ये हमको सोचना चाहिए कि उस उम्र में यदि मैं चला जाऊंगा तो न तो मेरी जरूरत मेरे बच्चों को है, न मेरे देश को है और न ही और किसी को है। तो उस टाइम आदमी अपनी विल पावर जो है, जिसका आत्मविश्वास वो खत्म होता जाता है। तो आज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, उस एंगल से मैं सोचता हूँ कि मेरे माता पिता का यदि आज ये आत्मबल टूट गया तो फिर मेरा रहने का मतलब क्या है? जब बचपन में उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया, जवानी मेरा मनोबल बढ़ाया है, आज मेरी जरूरत है उनको, मैं उनका मनोबल एज इट इज रखने के लिए, तो ये मेरा सार्थक है जीना, नहीं तो मेरा सार्थक ही नहीं जीना। यदि उनको मैंने भरोसा छोड़ दिया, क्योंकि उनसे मेरे कुछ नहीं लेना है, न वो कमा सकते हैं, न वो कुछ कर सकते हैं, मैं
इस उम्र में कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आज नाता तोड़ सकता हूँ, लेकिन कभी मैं ये सोचूं कि उस नाता तोड़ के मेरे को क्या बेनिफिट है। यदि मैं उनका मनोबल नहीं तोड़ूंगा तो कम से कम उनका आशीर्वाद मेरे तो और बना रहेगा। उस एंगल से मैं सोचता हूँ कि जिंदगी माता पिता की जितनी ज्यादा सेवा कर सकते हो, धार्मिक काम जितने आप कर सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो, यदि उनका जो पुण्य मिलता है वो एक ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है। बहुत अच्छी बात है जो शंकर जी आपने आज सजा की है जी। एक छोटे से गांव से निकल के, एक सीमित संसाधनों से निकल के आपने दुनिया भर में आज करना शुरू कर दिया है, दुनिया भर की हस्तियों के साथ आपके नेटवर्क है, आपकी उठ बैठ है। शंकर जी ये सारी जो बातें हैं वो हमारे लाखों दर्शक जो है, विश्व के सारे दर्शक आपको अभी लाइव देख रहे हैं, तो शंकर जी इन सभी दर्शकों के लिए आपके क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब पहली बात, जो अच्छे लोग ऊंचे लोग जो पहुंचते हैं, मैं तो चलो बहुत छोटा हूं अभी, लेकिन लोग बहुत आगे बढ़े। आप यदि किसी भी भाई का, किसी भी अच्छी सेलिब्रिटी का यदि आप बैकग्राउंड पूछोगे तो एक छोटे गांव से और अच्छे परिवार से, या आप कह सकते हो कि अच्छे माहौल से बढ़ के आगे निकले हुए हैं, क्योंकि छोटा गाँव, अकेला गाँव, अच्छा एक परिवार ही एक अच्छी देश की सेलिब्रिटी को दे सकता है। शहर से कोई नहीं निकल सकता है, शहर में ये चीज़ें नहीं मिल सकती जो एक छोटे गांव से हम ले सकते हैं। तो आज मैं पूरे मेरे भारत के गांवों के लोगों को और गांव के युवा भाइयों से कहना चाहूँगा कि कभी भी ये मत फील करो कि हम छोटे गांव से, हमारे पास कुछ नहीं है। आज किसी भी सेलिब्रिटी का बैकग्राउंड उठा के देख लो आप, उस बैकग्राउंड आपको एक छोटे गाँव से या छोटे परिवार से मिलेगा, क्योंकि एक छोटा परिवार, छोटा गाँव एक देश को बहुत बड़ा आदमी, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी आपका, आज सारे विचार जो हम लोगों ने साझा किए हैं। धन्यवाद डीडी भाई साहब आपको और आपके अनुभव चैनल को, जो उन्होंने मेरे को अच्छा टाइम दिया, मेरे विचार मैंने रखे। आप सभी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।